सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पुस्तक बाल राम कथा पाठ नंबर 3 दो वरदान के जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं वो करेंगे। मुझे आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी फिर नोटबुक में नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके ऑनलाइन टेस्ट चले हुए हैं, इसलिए जो भी काम करवाया जाता है और जो होमवर्क दिया जाता है उसे आप डेली करेंगे, हर रोज़ याद करेंगे और उसे अपने फिर नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पाठ का नाम, पाठ नंबर 3 दो वरदान। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों इसका? राजा दशरथ के मन की एकमात्र इच्छा क्या थी? राजा दशरथ के मन की एकमात्र इच्छा क्या थी? क्या थी बच्चों? राम का राज्याभिषेक। क्या थी? राम का राज्याभिषेक। प्रश्न नंबर 2 क्या बनता है बच्चों? क्रोध से आग बबूला होकर रानी केकई के कक्ष में कौन आया? कौन आया था? आपको पता ही है, मंथरा आई थी। मंथरा जो केकई की दासी थी, जो बचपन से ही उसके साथ रहती थी। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? भरत और शत्रुघ्न के नाना का क्या नाम था? भरत और शत्रुघ्न के नाना क्या नाम था? केकई राज। क्या नाम था? केकई राज। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? रानी केकई को मंथरा ने कैसे कपड़े पहनकर कोप भवन में जाने की सलाह दी? कैसे कपड़े पहन के जाने की सलाह दी मंथरा ने? मैले कपड़े, मैले फटे पुराने कपड़े। तो क्या उत्तर लिखोगे बच्चों इसका? मैले कपड़े। अगला प्रश्न क्या बच्चों? राम को काम काज सौंपने के पीछे राजा दशरथ ने क्या कारण बताए? क्या कारण बताए थे बच्चों? उन्होंने कहा, मेरे अंग स्थिर हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे से अब काम नहीं बनता, मेरा शरीर थक चुका है, मेरे अंग कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। अगला प्रश्न क्या बच्चों? देखो, केकई ने राजा दशरथ से कौन से दो वरदान मांगे? केकई ने राजा दशरथ से कौन से दो वरदान मांगे थे? भरत का राज्य अभिषेक हो, मतलब भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा क्या था? राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो। राम को कितने वर्ष के लिए वनवास हो? 14 वर्ष के लिए। तो अगला प्रश्न क्या बच्चों? रानी केकई के द्वारा मांगे एक वरदान के बाद राजा दशरथ की क्या स्थिति हुई? वर्णन करें, क्या स्थिति हुई थी? आपको पता ही, आप देखते हो, रामलीला भी देखते हो, उसमें क्या हुआ था? राजा दशरथ थे, बेहोश हो गए थे, और वो बाद में राम के जाने के गम में मर भी गए थे। तो प्यारे बच्चों, क्या अगला प्रश्न? रानी केकई के द्वारा मांगे गए एक वरदान के बाद राजा दशरथ की क्या स्थिति हुई? वर्णन करें, क्या उत्तर इसका? उनका चेहरा सफेद पड़ गया, वे हैरान हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। तो प्यारे बच्चों, पाठ नंबर 3 के जो मुख्य प्रश्न उत्तर थे वो हमने कर लिए हैं, और मुझे आशा है आपने ये ध्यान से सुने होंगे और इन्हें आप
घर पे अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।